गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी आर डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट पॉलिसी एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हमें फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें कंजर्वेशन करना पड़ा फॉरेस्ट का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी वो ब्रिटिश शासन में आई थी 1894 के अंदर, 1894 में। तो इस टाइम जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी, जिसके कारण जो है हमने फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट का जो है वनों को जो है काटना स्टार्ट कर दिया, ताकि हम उस लैंड को जो है एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें। तो उसके बाद जो है जो हमारी फॉरेस्ट कवर था वो कम होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो है हमें फॉरेस्ट पॉलिसी जो है अपनानी पड़ी। पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कब आई थी, The government of India proposed a nationwide forest conservation policy and adopted in 1952. आज़ाद भारत की जो है पहली जो पॉलिसी थी वो 1952 के अंदर आई थी, एंड फर्दर मोडिफिकेशन इन 1988 और 1988 के अंदर जो है इसी के अंदर कुछ मोडिफिकेशन कर दिया गया। वो मोडिफिकेशन क्या क्या किए गए और इस पॉलिसी के जो हमारी 1988 के अंदर आई थी फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके एम क्या थे, कौन कौन से जो है मुख्य बातें थी इसकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो एम था वो था हमारा 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 33% भाग पे जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये हमारा जो है फर्स्ट एम था। सेकेंड जो एम था हमारा वो क्या था, सेकेंड जो एम लेके आए थे हम लोग वो था मेंटेन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, यानी कि जो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जो हमें वनों को कंटिन्यूस जो है एफोरेस्टेशन करना चाहिए, वनों को हमें जो है या पेड़ पौधे जो हमें लगाते रहना चाहिए, जिसके कारण जो है हमारा इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी जो है बनी रहे। तो मेंटेन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाए या फॉरेस्ट को जो है एफोरेस्टेशन जो है हम करते रहे। दो टर्म होती है इसके लिए, एक होती है एफोरेस्टेशन दूसरी होती है डिफॉरेस्टेशन। इसका मीनिंग होता है इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया और इसका मीनिंग होता है डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। तो डिफॉरेस्टेशन होता है कि वनों का हम लोग कटाव करते हैं, एफॉरेस्टेशन होता है कि हम जो है वृक्षों को वनों को जो हम बढ़ा रहे हैं, उसको कंटिन्यूस जो हम जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो वो पेड़ पौधों को लगाना या वनों को बढ़ाना जो है एफॉरेस्टेशन कहलाता है, और वनों का लगातार कटाव करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो जो है हमें मेंटेन इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए कि वनों को जो हम लगाते रहे, ताकि वनों के अंदर जो हमारे किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। थर्ड जो है वो था कंजर्वेशन ऑफ सोयल इरोजन, कि वर्षा के कारण जो है सोयल का जो इरोजन हो जाता है उसको कंजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना था। सोयल का इरोजन किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, कि जैसे बारिश हो रही है पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाए ज़्यादा, ताकि मिट्टी जो है वो पेड़ पौधे जो है उस मिट्टी को जकड़े रखे और सोयल इरोजन को रोक सके। तो इसलिए जो है मान लीजिए कोई पेड़ है, तो ये इसका जो एरिया है इसके आसपास का, इसकी जड़ें जो है मिट्टी को जकड़े रखती है, और बारिश कितनी भी हो जाए तो मिट्टी का जो है इसमें कम से कम जो है सोयल इरोजन होता है। तो सोयल इरोजन जो था उसको कंजर्वेशन ऑफ सोयल इरोजन जो है ये भी एक इसका एम था फॉरेस्ट पॉलिसी का। एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड, कि जो डेजर्ट लैंड जो है उसको भी एक्सटेंड होने से हमें जो है रोकना था, कि जो डेजर्ट लैंड है उसके ऊपर जो हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया लेके आए, मतलब कि डेजर्ट एरिया में भी हमें जो है वनों को लगाना चाहिए या पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि जहाँ पे वन ज़्यादा होंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, तो वो डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे हम एग्रीकल्चर के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रोट एरिया, तो ऐसे ही हमें जो है फ्लड एरिया जो है या ड्रोट एरिया उसको भी कम करना था, कि
जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस भी जो है कम हो जाते हैं, या सूखे पड़ने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हमारे एक एम थे, ये भी हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर। फोर्थ जो एम था, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफोरेस्टेशन। ये कह रहा है कि इंक्रीज़ करना था हमें फॉरेस्ट कवर को थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या था? इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि जो है हमारा फॉरेस्ट कवर उसके अंदर इंक्रीज लेके आ सके, हम उसके जो है बढ़ाया जा सके हमारा जो फॉरेस्ट कवर है। तो जो हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है 2019 के अनुसार वो कितना है, 24.56% जो एरिया है उसके ऊपर फॉरेस्ट कवर है। अभी हम जो है 33% से काफ़ी पीछे है, तो हमें जो है अभी इसके अंदर कंटिन्यूअस इंक्रीज करना चाहिए। फिफ्थ जो था वो है क्रिएटिव ए मैसिव पीपल मूवमेंट। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि हमें जो है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन करने चाहिए, एंड स्टॉप फॉलिंग ऑफ ए ट्री, कि वृक्षों का जो काटते हैं उनके खिलाफ जो हमें आंदोलन करते रहना चाहिए, एंड एनकरेज प्लांटिंग ए ट्री, और जो है प्लांट जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए जो है लोगों को एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि वृक्ष जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। तो इसको जो हमें एनकरेज करना चाहिए, और जो पेड़ों को काटते हैं उनके खिलाफ जो है एक आंदोलन करना चाहिए, ताकि जो है पेड़ों को बचाया जा सके। ये कुछ पॉलिसी के जो थे एम थे 1988 के अंदर जो पॉलिसी आई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारी पॉलिसी के जो है एम थे, इनके ऊपर जो हमें गौर करना है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट जो एरिया है या फॉरेस्ट लैंड है जो हमारी, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको मैनेजमेंट करना, ये क्या कहलाता है? सोशल फॉरेस्ट्री। एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, जो हमारी जो है बंजर भूमि है उसके ऊपर भी है जो है हम वृक्ष लगाना, ये क्या कहलाता है? सोशल फॉरेस्ट्री, विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन इन्वायरमेंट सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, कि इसके कारण जो है हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सोशल और रूरल डेवलपमेंट भी जो है वो कंटिन्यूस होती रहेगी। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन इन्वायरमेंट सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है कि फॉरेस्ट की या बैरन लैंड के अंदर जो एफॉरेस्टेशन करना है उसकी मैनेजमेंट करना और फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है? सोशल फॉरेस्ट्री। इसके कारण क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है या सोशल और रूरल डेवलपमेंट जो है उस वो कंटिन्यूस होती रहती है। सोशल फॉरेस्ट्री जो वर्ड था ये 1976 के अंदर आया था, 1976 के अंदर जो है ये वर्ड लेके आए थे। किसने दिया था? नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है सोशल फॉरेस्ट्री नाम का वर्ड दिया था। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट इज फॉर अर्बन फॉरेस्ट्री, सेकेंड इज़ फॉर रूरल फॉरेस्ट्री, थर्ड इज़ फॉर फार्म फॉरेस्ट्री। जो सोशल फॉरेस्ट्री थे उसके आगे जो है नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है इसको सोशल फॉरेस्ट्री को फर्दर जो है इसने थ्री पार्ट्स में जो है क्लासिफाइड कर दिया था, अर्बन, रूरल और फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है? अर्बन फॉरेस्ट्री वो एरिया होता है जो अर्बन एरिया के आसपास जो है पेड़ पौधे या शहरों के आसपास जो है कैसे किस तरीके से जो है वृक्ष लगा जा सकते हैं उनका प्रबंध करना जो है वो क्या कहलाता है? फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट्री। इसके अंदर जो है बेसिकली क्या क्या आते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर? ग्रीन बेल्ट, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रीन बेल्ट है, पार्क आ जाते हैं, और इसके बाद जो है रोड साइड, जैसे ये कोई रोड है इसके आसपास भी जो है आपने देखा होगा कि वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये क्या है? अर्बन फॉरेस्ट्री है। आपने देखा होगा कि कोई सेक्टर है मान लीजिए, उसके पीछे जो है ग्रीन बेल्ट होती है, तो ये यहाँ पे भी जो है बेसिकली पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
तो ग्रीन बेल्ट जो है, या पार्क हो गया, पार्क के अंदर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, रोड साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है शहर के अंदर जो है विभिन्न हरित पट्टी जो है हिंदी में बोल देते हैं इसको, पार्क बोल देते हैं, सड़कों के आसपास की जो जगह है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाना क्या कहलाएंगे, अर्बन फॉरेस्ट्री। सेकंड इज़ फॉर रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री जो है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू पार्ट्स में, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कि इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है इसके ट्री भी, एक मान लीजिए कोई सेम लैंड है, एक ही एकड़ ज़मीन है, इसी के अंदर हम जो है एग्रीकल्चर करते हैं और इसी के अंदर जो है हम ट्री लगा देते हैं। मान लीजिए ये कोई एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें एक रो के अंदर जो है ट्री लगा दिए और बीच वाला जो स्पेस बच गया है यहाँ पे, यहाँ पे जो हमने अपनी खेती कर ली, कोई भी फूड क्रॉप बोली या कोई फोडर क्रॉप बोली, फोडर होता है चारा, पशुओं का चारा। तो फोडर बेसिकली जो है आपने देखा होगा कहीं खेतों के अंदर कि यहाँ पे जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं पॉपुलर वगैरह के, और इसके नीचे जो है खेती, जो जो ज़मीन खाली पड़ी है यहाँ पे जो है बेसिकली फोडर क्रॉप की जाती है। तो ये इस तरीके से जो खेती होगी वो क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं इन्हें सेम लैंड, कि ट्री और एग्रीकल्चर एक सेम लैंड के अंदर पाए जाए तो वो क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। आपने खेतों के अंदर जो है ये सारी चीज़ें देखी होगी कि एक ही लाइन, एक लाइन में फोर ट्री पाए जाते हैं और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे फूड क्रॉप या फिर फोडर क्रॉप जो है बो दी जाती है, या ये जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली फ्रूट्स वगैरह भी, ट्री से जो हम लोग फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं और साथ साथ जो है फोडर क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। सेकंड इज़ फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट। कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है कि इसके अंदर जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसके ऊपर भी जो है फॉरेस्ट लगा दिए जाते हैं, जैसे टेम्पल जो है वहाँ पे भी फॉरेस्ट लगा सकते हैं, रोड साइड जो एरिया है वहाँ पे भी, कैनाल साइड जो एरिया है उसके अंदर भी जो है ट्री लगा सकते हैं, या स्कूल जो है उसके अंदर ट्री लगा देते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ये सार्वजनिक है सारी की सारी चीज़ें, तो सार्वजनिक तौर पर जो है फॉरेस्ट्री को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। एंड देन लास्ट इज फॉर फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री क्या है कि किसी व्यक्ति की जो है अपनी लैंड है, ये कोई एरिया है अपना किसी व्यक्ति का, तो इसमें जो है कमर्शियल या नॉन कमर्शियल तौर पे जो है फॉरेस्ट को लगाया जा सकता है। कई लोग जो है कमर्शियल तौर पर, जैसे पॉपुलर जो है, पॉपुलर जो पेड़ है उससे जो है माचिस की तिलिया जो है वो बनती है, तो वो क्या है हमारा कमर्शियल फॉरेस्ट्री होगी, और नॉन कमर्शियल जो है कैसे कोई भी चीज़ उगा दी हमने तो वो है हमारी नॉन कमर्शियल, जिसको हम बेच नहीं सकते, जैसे सिरसम का पेड़ लगा दिया या सफ़ेदा का पेड़ लगा दिया, तो ये क्या है नॉन कमर्शियल है। और बेसिकली फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर जो है पेड़ जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। आप 500 पेड़ ले, 1000 पेड़ ले एक एकड़ में लगाने के लिए, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बेसिकली प्रोवाइड कराता है पेड़ लगाने के लिए। तो ये जो फार्म फॉरेस्ट्री है ये इस प्रकार से की जाती है। कमर्शियल भी किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल ही एरिया होता है या अपनी पर्सनल लैंड होती है, उसी के ऊपर वो है कमर्शियल कमर्शियल जो है फॉरेस्ट्री कर सकता है या नॉन कमर्शियल फॉरेस्ट्री कर सकता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसको पेड़ जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ये जो है आपका सोशल फॉरेस्ट्री था। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो आपका होमवर्क है वो है इसी को जो है आप उन्हें रीड करना है अच्छे से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।